एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई नाराजगी, किस नवंबर को फिर होगी सुनवाई। बारामूला में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया, दो सीआरपीएफ जवान समेत छह जख्मी। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सीजीआई ने पूछा बैन के बावजूद क्यों चले पटाखे। देश की 18 से ऊपर की 80.2% आबादी को एक डोज लगी। पंजाब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, पराली जलाने वाले किसानों पर 15,000 तक जुर्माना लगाया जाए। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उसे जनता को सुपुर्द किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर गाजीपुर के जिला पंचायत हॉल में राज्य मंत्री सांगीता बलवंत, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर इसके साथ ही राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर प्रदेश की जनता पीएम और सीएम को धन्यवाद दे रही है। वहीं अखिलेश यादव के 17 नवंबर को गाजीपुर आगमन पर राज्य मंत्री ने कहा कि फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने की बात कही जा रही है, पर राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम और सीएम के लोकार्पण किए हुए कार्यों को अगर विपक्ष दल ऐसा काम करता है तो निश्चित रूप से ये उनकी बचकानी हरकत होगी और ये माना जाएगा कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियां विपक्ष नहीं पचा पा रहा है। और सपा से विधायक रहे सुभाष पासी और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक सुभाष पासी ने पहली बार बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर सुभाष पासी ने कहा कि प्रदेश की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी घमासान पर विधायक सुभाष पासी ने कहा है कि वो समाजवादी लोग ही बता पाएंगे। देखिए, हम जो समाजवादी पार्टी की उपलब्धि जानते हैं वो आप सब जानते होंगे। 5 साल सफाई महोत्सव मना, सरकार जब से चली गई एक भी सफाई महोत्सव मनाया इन्होंने। सरकारी धन का बंडरबांट किया इन्होंने, लूट मचाई, और जब तक 80% कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होता है तब तक आप किसी टेंडर सड़क का एक्सप्रेसवे का नहीं निकाल सकते हैं। 40% पे केवल कमीशन लेने के लिए कमीशन खोर समाजवादियों ने इसका टेंडर किया था, जबकि जमीन थी नहीं, तो सड़क के हवा में बनती। और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और इस बार हारने के बाद ये इतना धरातल में जाएंगे कि शायद 10। देखिए, आज पूर्वांचल को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात सौंपी है, और इसके लिए पूरा प्रदेश आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बहुत। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने के जरिए जो आज उद्घाटन हुआ है, एक बहुत बड़ी सौगात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को मिली है। जनता खुश है और उससे रोजगार, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी देश के भविष्य के लिए या रोजगार को बढ़ाना है तो सड़कों का कनेक्टिविटी जरूरी है, जो आज उन्होंने किया। रामपुर के अंबेडकर पार्क स्थित गेस्ट हाउस में पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य बनी अवनी सिंह ने पीड़ित महिला की समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए। मीडिया के सवालों पर अवनी सिंह ने कहा कि आज हमने महिलाओं की समस्या सुनी है, इस मामले में घरेलू हिंसा थे और तो कुछ महिलाओं की
आवास की समस्या भी थी, उन सबकी समस्याएं हमने सुनी हैं और जल्द से जल्द उनका निस्तारण भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षक संघ की तरफ से महिलाओं की आवाज को उठाने का काम उच्च स्तर पर किया जा रहा है, साथ ही शिक्षिकाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न पर लगाम लगाने के लिए शिक्षक संघ की तरफ से समय समय पर प्रदर्शन करते हुए शिक्षिकाओं को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य का अलीगढ़ आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुलोचना मौर्य की ओर से मंडल के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने पद का निर्वाहन करने के आदेश दिए और दूसरी ओर अलीगढ़ जिले में स्थित ब्लॉक जुवा पर रजिया खान को ब्लॉक महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही शिक्षिकाओं के उत्पीड़न को खत्म करने की बात भी कही गई। सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ और अमृत महोत्सव के मौके पर महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली, जिसको डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सैकड़ों स्कूटी सवार महिलाओं ने लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भगवान बुद्ध क्रीड़ा स्थली कपिल वस्तु स्पूत पर इस रैली का समापन किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि जिस तरह भगवान बुद्ध का संदेश इस धरती से गया है, उसी तरह इस स्कूटी रैली के माध्यम से पूरे देश में एकता और अखंडता का संदेश जाएगा। सैकड़ों की संख्या में हमारी बेटियों ने प्रतिभाग किया, स्कूटी से सिद्धार्थनगर मुख्यालय से कपिल वस्तु तक आए और जिस तरह का एक आज अभूतपूर्व वातावरण, जिस तरह का उत्सव, जिस तरह की एकता और अखंडता के लिए जज्बा पैदा हुआ है, निश्चित तौर से जैसे गौतम बुद्ध की धरती से बुद्ध का संदेश पूरे विश्व में शांति, एकता, अहिंसा, ममता का गया है, ऐसे आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी संदेश सिद्धार्थनगर की महिलाओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आज तिरंगा यात्रा करके दे दिया है। वो आने वाले दिनों में देश को एकता और अखंडता पे अक्षुण रखेगा। कौशाम्बी के सुंदरम गेस्ट हाउस नेवादा में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में अपने अदम्य साहस का परचम लहराने वाली 36 अंग्रेजी फौज को अकेले मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी पासी की पुण्यतिथि पर बीएसपी प्रत्याशी भावी विधायक चायल अतुल द्विवेदी ने पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज को इनके योगदान के बारे में बताया। भारतीय किसान यूनियन ने एरवा कटरा ब्लॉक के गेस्ट पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश महासचिव अनिल चौहान समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। क्षेत्र के किसानों ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में अपना भाग लिया और इस प्रदर्शन में मुख्य मांगे भी थी खाद की कालाबाजारी जो दुकानों पर हो रही है और जो दुकानें बंद चल रही है उनकी दुकानें बंद करनी चाहिए जहां पे कालाबाजारी हो रही है, साथ ही ग्राम पंचायत जगतपुर करमपुर पंचायत घर जो नया बन रहा है उसके मटेरियल में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, ये भी उनकी मांग रही। मच्छर की दवा का छिड़काव ब्लॉक की सभी पंचायतों में हो और तमाम मांगों के संबंध में तहसीलदार रितेश वर्मा एवं थानाध्यक्ष एरवा कटरा नवीन कुमार ने ज्ञापन लेकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। संभल के विकासखंड पसाव पवासा की ग्राम पंचायत सैजना के मजरा बंजरपुरी में बनी गौशाला में दो गायों की कंठ और ठंड और भूख से मौत हो गई है, जबकि प्रदेश सरकार और जिला स्तरीय अधिकारियों के सख्त निर्देश के बाद भी गौवंश सुरक्षित और स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। गौशालाओं की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जहां पर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी गौ आश्रय स्थलों के नाम पर अपनी जेब भर रहे हैं। इसी के चलते दो गायों की ठंड और भुखमरी के चलते मौत हो गई है। तो संभल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां गौशाला का हाल बेहाल दिखा है, गौवंश का बुरा हाल देखने को मिल रहा है, भूख और ठंड से गौवंश मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं और किसी भी तरह की सुविधाएं गौवंशों के लिए मुहैया नहीं कराई जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मुबारक अली जुड़ चुके हैं, संवाददाता है संभल से। मुबारक, जिस तरह की खबर सामने आई है गौवंशों का बुरा हाल है, क्या कहेंगे इस पे?
आपको बता दूं जनपद संभल के विकासखंड समासा पड़ता है, समासा जो बंजरपुरी ग्राम पंचायत सहना पड़ती है, बंजरपुरी की मड़ियों है वो, और वहाँ पे गौशाला बना रखी है और उसमें भुखमरी से गायें मर रही हैं और ठंड के कारण, और छह गौशाला है वहाँ पे समासा ब्लॉक में, और वहाँ पे सब में यही हालात है। और ये ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर पलीता लगा रहे हैं और उसे अपने जेब भरने में लगे पड़े हैं, और दूसरी तरफ अधिकारी चुप्पी साधे हुए पड़े हुए हैं। एक तरफ योगी सरकार लाख दावे कर रही है गौ वंश को लेकर, और फिर भी लाख दावे फेल नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ मुबारक अली जुड़े थे संभल से संवाददाता। अंबेडकर नगर में लोहिया चौक शहजादपुर से पुराने तहसील चौराहे तिराहे तक शिवा कसौंधन हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं पुरुष और बच्चे शामिल रहे, जिन्होंने मार्च में शिवा कसौंधन के हत्यारों को फांसी देने और व्यापारी नेताओं ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई है। तो व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाली, पीड़ित के साथ मतलब एक श्रद्धांजलि अर्पित किया है व्यापारियों ने, और अपना एक मतलब गुस्सा जाहिर किया है, मतलब कि इस तरह की जो घटना घटी है उससे व्यापारी वर्ग में एक खासा मतलब नाराजगी है। और पीड़ित पर उस दिन भी क्या नाम है कुछ प्रशासन से मांग भी किया था कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे, और जो पीड़ित है वो अपने घर का एक है तो तीन भाई लेकिन इकलौता कमासूद व्यक्ति था जिससे पूरा परिवार का जीवन यापन चलता था। आज करंट पोजिशन में उसके परिवार में जीवन यापन के लाले पड़ जाएंगे उसके। कौशाम्बी सराय अकेल थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को पड़ोस के युवक ने 2 साल पहले अपने प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झूठा झांसा देकर एक बार फिर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि पीड़िता के शादी करने वाले सवाल पर प्रेमी लगातार हीला हवाला करते हुए बात को टाल देता था, और जिसके बाद पीड़िता को युवक ने अपने साथ दिल्ली चलने के लिए भी बोला, लेकिन पीड़िता के मना करने पर युवक उसे जहर खाने की धमकी देने लगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उससे जबरदस्ती भी की, और इस दौरान बौखला युवक ने बोला कि वो उसको दिल्ली लाया है, और पीड़िता ये सब सुनकर सन्न रह गई और हाथ पैर जोड़ने लगी कि ऐसा ना करे, जिसके बाद पीड़िता वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और कानपुर पहुंचकर अपने घर वालों को फोन करा और अपनी बात और अपने ऊपर आपबीती सुनाई, और ये सुनाकर पीड़िता के पिता और भाई कानपुर गए और पीड़िता को घर ले गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने परिजनों को वहां से भगा दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रयागराज और कौशाम्बी मुख्यालय मार्ग का चक्कर लगा रही है, जिससे वहां घंटों तक जाम लगा रहा। क्या समस्या है चक्का जाम तो? समस्या है कि कहना था शादी करने के लिए, वो शादी नहीं करने के लिए बेचने ले गया था, हम सुने वहाँ से भाग निकले, दिल्ली से कानपुर पहुँचे, कानपुर पहुँच गए पास वाले से फोन मांगे कि अपने घर बात करनी है, तो वो दिया नहीं दे रहा था, फिर भी दिया घाय ले बात कर, फिर वहाँ घर वाले से फोन किया गाँव का कानपुर में है, मेरे घर वाले गए तो वहाँ से आए, हम वहाँ से फिर आए। क्या नाम है लड़के का? विकास नाम है। भाग रहने वाला है? यही तो मेरा काम ही करने वाला है। तुम्हारे साथ कोई गलत किया वो? हाँ किया। कब तक? कितने साल तुम्हारा उसका संबंध था? 2 साल का। कहाँ पे ले गया था? फतेहपुर में राशन लेने गए कार्ड धारक के साथ कोठेदार के बेटे ने बदसलूकी की है, शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोठेदार की मनमानी सामने आ रही है। बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे का निशान लेने के बाद भी समय से राशन दिए जाने की बात कही गई, लेकिन राशन देने के दौरान कोठेदार के बेटे ने मारपीट की। मामला ये है कि हम गल्ला लेने गए थे कि भाई कोटेदार के यहाँ, तो कोटेदार जी क्या नाम है? शिवरानी देवी। क्या हुआ था? हम 10 तारीख को फिंगर लगा के आए थे जी, उस दिन हमको गल्ला नहीं दिया जी, इसके बाद हम दूसरे दिन गए, बुलाया उसने जी, उस दिन कह रहा कि हम गेहूं बोने जा रहे हैं, और फिर इसके बाद फिर बुलाया परसों, फिर गए वहाँ तो कह रहा गेहूं बोने जा रहे हैं, आज फिर गए
तो कह रहा गेहूँ बोने गए, उसके लड़के निकल के आए मारने वारने के लिए हमें। लड़के के नाम मालूम है क्या? लड़के का नाम नहीं पता, बड़ा वाला लड़का। हमीरपुर के मौदाह कोतवाली क्षेत्र के चौली गांव निवासी युवक का शव गांव के बाहर फांसी पर लटका मिला। मौत से कुछ समय पहले का युवक का वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक चाचा और उसके परिजन की मारपीट से दुखी होने की बात कह रहा है। वहीं युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना पर पीड़ित पिता ने कहा कि बेटा भावुक था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, जांच के बाद आवश्यक आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव में एक महिला पूर्व प्रधान से एक साल पहले लिए गए 5,000 रुपए वापस मांगने गई थी, जिसको लेकर पूर्व प्रधान ने महिला से गाली गलौज करते हुए मारपीट की और गोली मार दी। मारपीट के दौरान घायल महिला को बचाने आए पुत्र से भी विवाद हो गया, जिसके बाद विपक्षियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें महिला गोली लगने से घायल हो गई है और आरोपी मौके से फरार हो गया है। और आज फिर गांव की एक महिला को गोली मारी गई है, जिसको पुलिस ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सर वो 2-3 दिन पहले गोलीबाजी हुई थी, मैं घर पे थे, मैं इधर उधर दौड़ रहे थे, मगर कल मैं घर पे था, मेरी भाभी लेटरिंग करने गई और वहाँ लेटरिंग करने के बाद में वहाँ फायरिंगबाजी हुई, मैं दौड़ के गया, मेरा बीवी बच्चा वो भी दौड़ के गए वहाँ। किसने फायरिंग की? और ये सर मैंने देखा, रात में टाइम था, मैं देखा दौड़ के, तो तक वो भाग गए लोग। ग्राम कुतुबुद्दीनपुर थाना नवाबगंज में रिंकू यादव पुत्र प्रामवीर यादव ने करीब 2 वर्ष पहले अपने गांव के ही प्रवेश यादव पुत्र महेंद्र यादव को 2,000 रुपये उधार दिए थे। इस उधार वापसी को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। दिनांक 12/11/2021 को रात्रि लगभग 8 बजे दोनों पक्षों में विवाद, और उस विवाद के दौरान सरोजनी देवी पत्नी रामवीर यादव को फायर लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई। इस खबर पर हमारे साथ फरुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़े हैं। सुंदरम, क्या है पूरा मामला, किसके द्वारा गोलियां मारी जा रही है? सुंदरम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। और सुंदरम, पहली घटना जी मैम, क्या है पूरा मामला सुंदरम, किसके द्वारा गोलियां मारी जा रही है महिलाओं को? ये घटना लगभग 3 दिन पूर्व भी इसमें दबंगों द्वारा इस पर फायरिंग हुई थी और गोली मारकर महिला घायल किया गया था, और इसके बाद भी पुलिस की लचर कार्रवाई हुई और दबंगों के हौसले अभी बुलंद हैं। उसके बाद फिर से एक महिला को गोली मार दी गई उसी परिवार के, और उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया था। अगर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है, और पुलिस की लचर कार्रवाई जो लगातार जारी है, इससे एक बड़ी घटना होने की संभावना जनपद में बनी हुई है। ये कोई पहली घटना नहीं है, 10 दिन में लगभग 7 से अधिक गोलीकांड की घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी यहाँ का पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। जी बिल्कुल, अगली खबर पे बने रहिए, हमें जानकारी देते रहिए सुंदरम। फरुखाबाद के शकुंतला थाना मऊ दरवाजा के ग्राम महलई में देर रात फिर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जहां रात में सोते हुए एक युवती को गोली मार दी गई, जिसके बाद फायरिंग की आवाज होने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने डायल 112 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को लोहिया अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया और मृतका के परिजनों ने महिला की छोटी बहन के प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सर ये जो गांव से बाहर एक झोपड़ी बना रखी है, उसमें 2-3 साल से रह रही है, तो वहाँ थोड़ी बगल में लेटते बतून पड़ी उसमें, रात में लगभग 11:30-11:15 बजे टाइम हुआ, तो गाय का बंद हो गई सर, क्या इधर जब वो सीखी तब हम जगे, चिल्लाने के बाद हम उठे तो एक आदमी था, उसने हमारे पास खाट के पास लाठी रखी थी, उसने हमारे यहाँ मार दी गुड़का ऐसे करके, ये चोट भी लगी थोड़ी बहुत, अच्छा तो हम रुक गए, लेकिन हमारे बो आदमी थोड़ा उधर बढ़ गया और तो हम निकल के भागे पड़ोसी के यहाँ, उसकी कुंडी खटकाई, उसको जगाया हमने,
इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े हुए फरुखाबाद से। सुंदरम, क्या मामला है और युवती को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया? जी, इसमें जो मामला संज्ञान में आ रहा है, इसके ससुर तोताराम जी के द्वारा आरोप जो लगाया जा रहा है कि इनकी बहन के प्रेमी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इसमें उस बहन की प्रेमी के द्वारा 2 से 3 दिन पूर्व इस महिला के पति को भी यह धमकी दी गई थी कि तुम्हारे परिवार में मैं हत्या कर दूंगा। ये मृतका जो है वो संकुतला देवी थाना मऊ दरवाजा की निवासी 27 वर्षीय महिला थी और इसकी घर के बाहर एक झोपड़ी थी खेतों में, वहां पे रात्रि 12 बजे की घटना हुई, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों द्वारा इसके बहन की प्रेमी पे हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फरुखाबाद में लगातार दिन प्रतिदिन गोलीकांड की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन यहां का बिल्कुल सोया हुआ है और लगभग ये घटनाएं लगातार एक तरीके से डेली रूटीन सा बन गया है कि 1 से 2 घटनाएं गोलीकांड की जनपद में होती ही रहती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फरुखाबाद से हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे इस खबर पे। चंदौली के सदर कोतवाली के लीलापुर रेलवे लाइन क्रॉस के पास नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां विंध्याचल धाम से दर्शन करके बिहार के रोहतास जा रहे थे। इस दौरान स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।